नमस्ते, आज की वीडियो में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में बात करेंगे। भारत में शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन किस हद तक? शिक्षा प्रणाली में क्या खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है? क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नॉर्म्स वास्तव में बच्चों और स्कूलों को लाभान्वित करते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आज की वीडियो के अंदर छुपे हुए हैं, जिस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इस संबंध में शिक्षा के अधिकार के तौर तरीकों को परिभाषित करने के लिए भारत सरकार ने 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया। यह प्राथमिक शिक्षण संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को भी परिभाषित करता है। RTA एक्ट 2009 का उद्देश्य सभी को शिक्षित करना है। यह गुणवत्ता, सहभागी, तनाव मुक्त और अर्थपूर्ण शिक्षण प्रणाली पर जोर देता है। आइए अब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कुछ मुख्य विशेषताओं पर नजर डालते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 6 राज्य सरकार को सभी इलाकों में सार्वजनिक या सरकारी स्कूल स्थापित करने के लिए बाध्य करती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 7 में RTA एक्ट 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों को साझा करने का प्रस्ताव है। RTA एक्ट 2009 की धारा 12 सभी प्राइवेट स्कूलों को हमारे समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें सुरक्षित करने का निर्देश देती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 18 के अनुसार एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य है और पब्लिक स्कूलों को 1:30 के स्टूडेंट टीचर रेशियो को बनाए रखने की आवश्यकता है। ये बुनियादी ढांचे के नियम प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए कड़े हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 19 के अनुसार सरकारी स्कूलों को बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने के लिए दंड से छूट दी गई है। उन्हें बुनियादी ढांचे के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। RTA एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी भुगतान शुल्क या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए, जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से रोक सकता है। RTE उस उपस्थिति को भी नियंत्रित करता है जिसे पब्लिक स्कूलों में बनाए रखा जाना चाहिए, और यह भी कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। RTA एक्ट कुछ साल पहले एक प्रस्ताव के साथ आया था कि शिक्षकों को आवश्यक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कम से कम CTET और STET उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम RTA एक्ट का बेसिस देखते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। लोग और राजनेता यह तर्क देते हैं कि बच्चे किसी भी देश की नींव होते हैं, और नींव को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के आर्टिकल 26 में कहा गया है कि कम से कम प्रारंभिक अवस्था में सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के साथ साथ मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के आर्टिकल 28 और 29 शिक्षा के लिए बच्चे के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, और आर्टिकल 29 में कहा गया है कि बच्चे की शिक्षा व्यक्तिगत, मानसिक और शारीरिक विकास की दिशा में होनी चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी बच्चे की शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा, जब तक कि बच्चे ने 14 साल की उम्र पूरी कर ली है। न केवल ये प्रावधान बल्कि 90 के दशक के दौरान शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए कई मामले भी लड़े गए थे। इस संबंध में एक प्रसिद्ध मामला मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था, जिसमें भारतीय संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र के अधिकार की गारंटी देता है।
फाइनली 2002 में सरकार ने 66वें अमेंडमेंट द्वारा भारत में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया और कई प्रक्रियाओं और चर्चाओं के बाद 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। अब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कुछ लाभ देखेंगे। हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का निर्णय सरकार द्वारा एक अच्छा कदम था, लेकिन इसके लाभ अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम डेटा पर नज़र डालें तो हमें एहसास होगा कि हकीकत कुछ और है। आइए सबसे पहले आरटी एक्ट के लागू होने के बाद हुए कुछ छोटे सुधारों को देखें। एनरोलमेंट रेट में वृद्धि। अगर हम 2013 और 14 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो छात्रों के एनरोलमेंट की प्रतिशत में 2005 और 6 में 84.5% से 2013 और 14 में 88.08% तक मामूली उछाल आया है। स्टूडेंट टीचर रेशियो में सुधार। न केवल स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30 है, बल्कि रेशियो में मामूली सुधार 2009 और 10 में 40% से वर्ष 2013 और 14 में 33% हुआ है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी। पब्लिक स्कूलों से बच्चों की ड्रॉपआउट दर 2012 में 5.62% से घटकर 2015 में 4.13% हो गई है। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार। पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई करने की आवश्यकता के कारण गुणात्मक शिक्षकों के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अधिक हद तक नहीं। अब हम इस एक्ट के कुछ खामियां और इसके रियल प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। आरटी द्वारा किए गए सुधार केवल कागजों पर है, लेकिन हकीकत में बच्चों को अभी भी वह नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। आरटी एक्ट की धारा 12 के अनुसार प्राइवेट अनएडेड स्कूलों को वंचित छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी वजह से पब्लिक से प्राइवेट स्कूलों में माइग्रेशन की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं और शिक्षक नहीं हैं, और इस वजह से हर माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। अब असली समस्या यह है कि इस माइग्रेशन के कारण वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार अकेले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 24,000 स्कूल बंद हो गए। यहाँ तक कि कई स्कूलों ने 25% सीट आरक्षण के इस प्रावधान को इस कारण से नहीं अपनाया है कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अधिकांश स्कूल इस 25% बच्चों को सरकार द्वारा भुगतान में देरी और इन स्कूलों की कम लाभप्रदता के कारण बोझ मानते हैं। 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार पब्लिक स्कूल के शिक्षकों पर कुल सरकारी खर्च 56,497 रुपये था, लेकिन कुछ हद तक यह स्पष्ट है क्योंकि इससे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के सीखने के परिणाम में सुधार नहीं हो रहा है। एनरोलमेंट रेट में वृद्धि सरकारों द्वारा मिड डे मील पॉलिसी की शुरुआत के कारण हुई है। कई माता पिता अपने बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए स्कूलों में भेजते हैं ताकि इससे उनका खर्च कम हो जाए। नतीजतन छात्र ज्ञान प्राप्त करने और सीखने की प्रक्रिया के प्रति बहुत अधिक प्रेरित नहीं होते हैं। सीखने का परिणाम शून्य है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 19 के अनुसार पब्लिक स्कूलों को बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है और परिणाम स्वरूप केवल 6.4% पब्लिक स्कूल ही वास्तव में नियमों को पूरा करते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 6 राज्य सरकार को अधिक पब्लिक स्कूल स्थापित करने के लिए बाध्य करती है, जो फिर से अक्षम स्कूलों, खाली भवनों, उच्च वेतन वाले शिक्षकों पर सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। छोटे क्षेत्र वाले शहरों में सरकार बेहतर बुनियादी ढांचे की उम्मीद कैसे कर सकती है? इससे गरीब बच्चों को स्कूलों से दूर रहना पड़ता है। आइए इस विषय का निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षा के अधिकार का विचार सरकार का एक बड़ा कदम था, लेकिन परिणाम बहुत प्रभावशाली नहीं है। इस अधिनियम की गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा विकास का आधार है, चाहे वह व्यक्ति का विकास हो या पूरे राष्ट्र का विकास। जब आप साक्षर और शिक्षित होते हैं तो आप में बदलाव लाने की क्षमता होती है। आरटी एक्ट 2009 में कई क्षेत्रों में कमी है और खामियों को लोगों के साथ साथ सरकार को भी सुधारना चाहिए। स्कूलों के भवनों या बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए,
बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की गुणवत्ता की ओर होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल में कमी का भी यह एक कारण है। निवेशक हमारे देश में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। वे अन्य देशों में निवेश करते हैं जहां उन्हें बेहतर ह्यूमन कैपिटल और बेहतर लाभ मिलता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें और बदलाव लाएं। अंत में मैं जीके चेस्टरटन के एक कोट से इस वीडियो को समाप्त करूंगा। वे कहते हैं, शिक्षा एक समाज की आत्मा है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो चलिए, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी कंपनी 360 और ILMS Academy की ओर से धन्यवाद।